नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और हम आपको लगातार वो मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं जो कि आम जिंदगी से और इस कोविड की महामारी के चलते जो आम इंसान इस टाइम फेस कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बात अभी क्लियर बताऊंगी। ये जो अभी आपने कुछ स्टार्टिंग में ही कुछ फुटेज देखी होंगी, ये हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर की फुटेज है, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कोविड पेशेंट्स को लेकर, जिनके कोरोना के टेस्ट चल रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, आखिर उन लोगों के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आखिर कर क्या रही है। इसी के चलते अगर एक आपने नाम सुना होगा अखनूर को लेके, राकेश मल्होत्रा जी बहुत एक्टिव रहते हैं, वार्ड मेंबर भी हैं, बीजेपी के वर्कर भी हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो समाज सेविक भी हैं, लेकिन इन दिनों वो कहां गुम है, ये एक सवाल लोगों का भी है। सीधी बात उन्हीं से करेंगे, आज हमने इनको पकड़ लिया है। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार राबिया जी। राकेश जी, हम देख रहे हैं कोविड की दूसरी चरण जो कि महामारी इस तरह से फैली हुई है और दूसरा चरण जो था ये काफी हद तक इसके ग्राफ जो है बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। आंकड़े दिन प्रतिदिन कोविड पेशेंट के बढ़ रहे हैं जिनसे काफी मौतें भी हो रही हैं, लेकिन इस महामारी के चलते आज आपका फेस कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आखिर आप कहाँ गुम हो गए? राबिया जी, सबसे पहले तो मैं ये बात आपको पूछूंगा कि आपने हमें कहाँ ढूंढा, हम आपको नहीं मिले। दूसरा नंबर, आप हमें फोटोग्राफ में ही देखते हैं, पहले भी फोटोग्राफ में ही ज़्यादा देखते थे और आप ही का कहना है, पिछली बार भी मैंने ये बातें काफ़ी सुनी थी कि राकेश मल्होत्रा जी कोई काम करते हैं वो फोटोग्राफ खरीदाते हैं, राशन देते हैं फोटोग्राफ, कोई भी काम करते हैं, तो इस बार मैंने आप ही की बात मान ली। मैंने कहा चलो एक बात तो राबिया जी की माने, प्रेस वालों की माने कि कोई भी इस बार काम करते हैं तो उसकी फोटोग्राफ नहीं डालते, क्योंकि काम तो काम है, लेकिन काम मैं कितना कर रहा हूँ राबिया जी वो मुझे पता है, या मेरे वार्ड के लोगों को पता है, या मेरे शहर के लोगों, पहले मैं खाली वार्ड के लिए भी करता था, आज मैं उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है। मैं सुबह जब उठता हूँ ये आपको ऑन द रिकॉर्ड सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, सबसे पहले मेरा फ़ोन जो होता है SDM अखनूर को होता है, SDPO साहब को होता है, SHO साहब को होता है, कि कोई भी अगर शहर में प्रॉब्लम है उनको बताता हूँ उसका हल क्या है क्या नहीं है। और दूसरा नंबर, इस बार क्या है, इस बार की जो महामारी है वो अलहदा किस्म की है, जाने जा रही हैं, पिछली बार इतनी मौतें नहीं हो रही थी, तो मेरा अपना काम करने का तरीका है, तो मैंने इस बार ऐसा सोचा कि लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जितनी कोशिश हो सके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, SDM से बात करके, मैंने जितने भी सिलेंडर प्रोवाइड करवा सकता था मैंने करवाए। राकेश जी सॉरी, हम आपकी बात तोड़ेंगे, सिलेंडर से और ऑक्सीजन से मुझे याद आ रहा है कि दोस्तों हम बताएं आज जाए आपको भी शायद पता होगा कि अखनूर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स जो थे यहाँ पे दिए गए, लेकिन जब हमारी BMO साहब से बात होती है उन्होंने बताया कि ये दो ही चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास मैन पावर नहीं है, दो को भी ऑपरेट करने के लिए दिक्कत आ रही है, जिसके चलते बाकी वेंटिलेटर्स एज इट इज वैसे पड़े हुए थे। अब आज की फुटेज में देखा आपने, जो वेंटिलेटर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, चार वेंटिलेटर्स अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर लगाए गए हैं, बाकी वापिस कर दिए गए। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पीछे हमने ये भी सुना कि 5 वेंटिलेटर्स सब डिस्ट्रिक्ट को दोबारा से दिए जा रहे हैं, अगर मैन पावर ही नहीं है यहाँ पे वेंटिलेटर्स ऑपरेट आखिर करेगा कौन, कौन देगा इसकी जवाबदारी? सीधी बात इसी पे आते हैं सर, कोविड इतनी महामारी कोविड की चल रही है जिससे आंकड़े जो हैं बड़े जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे वेंटिलेटर्स की सुविधा नहीं है, अगर थी तो उसको ऑपरेट करने के लिए मैन पावर नहीं है, ना ही यहाँ पे कोविड सेंटर है, ना यहाँ पे आइसोलेट सेंटर है, और ना ही यहाँ पे अगर देखा जाए क्वारंटाइन सेंटर है, तो इसके ऊपर किस तरह से मुहिम छेड़ी जाए, किसकी नलायकी जो है ये आप मानते हैं? रावी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, यहाँ ये चीज़ों की प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन उसके चलते ही जो हॉस्पिटल के बाहर जिन लोगों को, पहले मैं इस बात पे आऊँगा, जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत हम पूरी कर सकते थे, और जैसे ये एक
फ्लो मीटर आते हैं जो ऑक्सीजन गैस के ऊपर लगाते हैं हम लोग, यहाँ नहीं मिल रहे थे जम्मू में नहीं, जो ये बेसिक 1400-1500 रुपए की आइटम है तो यहाँ 10-10 हज़ार रुपए तक ये चीज़ें थी। तो मैंने पिछले दिनों काफ़ी कोशिश करके, मुझे SDPO साहब ने भी बोला, SDM साहब ने भी बोला कि इनकी शॉर्टेज है, तो मैंने कुछ पीसेज ये अंबाला से मंगवाए और लोगों को प्रोवाइड करवाए। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। बात आ जाते हैं हॉस्पिटल की, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पिछले दिनों पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात हुई थी हमारी, और मैंने अपने पार्टी के लोगों को भी ये बात बोली है कि यहाँ तो कोविड सेंटर चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या काफ़ी एरिया आगे है जो अखनूर में ही फॉल करता है। तो इन्होंने एक और ऐसी जगह है, आपने पूछा नहीं है, मैं बताता हूँ, जैसे पलवाल में वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है, तो यहाँ छोड़िए वहाँ भी कोविड सेंटर नहीं, जहाँ प्लांट लगाया हुआ है तो वहाँ भी नहीं बनाया। बात यही आ जाती है किसकी नलायकी समझते हैं। देखिए मैडम, ये नलायकी इस समय आपको पता तो है ही कि पॉलिटिकल लोगों को कोई पार्टी तो इस समय है ही नहीं है यहाँ पे। सर एक्टिव है, अगर देखा जाए पक्ष और विपक्ष में, आप भी लीडर हैं, आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। आज कहाँ लीडर वो छुपे हुए हैं, क्यों नहीं निकल रहे जो छोटी छोटी बातों पे टिप्पणी किया करते थे, छोटी छोटी बातों पे आम जनता के सामने एक मसीहा बन के आ जाते थे, आज वो कहाँ है वो लीडर। मैंने आपको पहले भी तो ये बात कही है रविया जी, आप गलत ट्रैक पे हैं, ऐसी नहीं बात है। आज भी आप देखिए सारे लोग काम कर रहे हैं, पार्टी के लोग तो छोटे से लेके बड़े तक काम कर रहे हैं। मैं तो हर एक व्यक्ति को हम लोग देख रहे हैं काम करते हुए, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा समय है हर एक पार्टी का व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है। मैं इस पे आपको ये कह रहा था कि यहाँ पे बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं परसों गया था हॉस्पिटल में, BMO हमारा पॉजिटिव है, डॉक्टर लोग इतना काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं काम नहीं कर रहे, BMO पॉजिटिव है, उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर। मैंने डॉक्टर्स की बात नहीं की, मैं उन लीडर्स को निशाना दे रही हूँ जो आज छुपे बैठे हैं। लीडर काम कर रहे हैं, आपको शायद कम दिख रहे हैं लेकिन लीडर काम कर रहे हैं। जितना काम लीडर कर रहे हैं या समाज सेवी कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आप लोग काम कर रहे हैं, लीडर काम कर रहे हैं, इसीलिए तो ये सारा कंट्रोल में आ रहा है। मैडम कौन कहता है कि लीडर काम नहीं कर रहे? आप बताइए कहाँ पे लीडर काम नहीं कर रहे? आपने अपने सवाल का जवाब तो मेरे से लीजिए ना। आपने कहा यहाँ वेंटिलेटर आए, मुझे नॉलेज है 10 वेंटिलेटर आए थे, और यहाँ जब कोविड सेंटर ही नहीं बनाया तो 10 वेंटिलेटर की जरूरत नहीं थी। 10 वेंटिलेटरों की जरूरत वहां जहां कोविड सेंटर है, वहां पे महामारी चल रही है, तो यहां 4 वेंटिलेटर। मैंने बताया, मैं 3 दिन पहले गया था हॉस्पिटल में, मैंने डॉक्टर दर से लेके पूरा राउंड किया, सब कुछ देखा, हमने 4 बेड वहां देखे जो है इन्होंने रखे हुए, और पूरा वेंटिलेटर तैयार करके रखे हुए यहां। हाँ, ये फैसले ऊपर से लेने हैं कि यहां कोविड सेंटर बनाना है या नहीं बनाना है। तो सर, क्या जरूरत नहीं है कोविड सेंटर? बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों नहीं जरूरत है? हम तो कह रहे हैं, क्यों नहीं फैसला लेते हैं? अब कुछ लोगों ने इस बात को पकड़ा है, हमारे पूर्व मंत्री जी थे श्री श्यामलाल शर्मा जी, वो भी मैं देख रहा हूँ पिछले कितने दिनों से यही इंटरव्यू यही बात वो LG से भी कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, और यहाँ वो कर रहे हैं कि बड़ी जल्दी यहाँ कोविड सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ऊपर गंडारमा में हमारे पास एक नर्सिंग बना हुआ है, वहाँ पे शायद कोविड सेंटर वहाँ पे बन जाए बड़ी जल्दी। सर शायद पिछली बार भी उसी नर्सिंग हॉस्पिटल में बनाया भी गया था, जब हॉस्पिटल के काफी लोग पॉजिटिव आ गए थे, उनको क्वारंटाइन सेंटर किया गया था। 100 बेड का है वो हॉस्पिटल, लेकिन इंतजार किसका है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेट है, ये तो हम लोग कह रहे हैं। राबिया जी, हम लोग कोई अथॉरिटी नहीं है, हम लोग तो बोलेंगे करेंगे, जो कर सकते हैं वो करते हैं, तो हम लोग कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। हम तो बहुत पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और सेवा करते हैं लोगों की। वैक्सीनेशन की कमी, स्लॉट नहीं बुक हो रहे, 18 साल के ऊपर वाले जो हैं वो इसी इंतजार में हैं, कब हमारा स्लॉट बुक होगा, कब हमें बड़ी जल्दी। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि जब शुरू हुआ था तो हो सकता थोड़ी मेडिसिन नहीं आ रही थी, वैक्सीन नहीं आ रही थी, तो उन्होंने ये इकट्ठा करके बड़ी जल्दी ये लोग 2-3 दिन में ही ये शुरू कर रहे हैं, और बहुत बल्क में इसे पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ 2-3 जगह। हम लोग पहले एक ही जगह अखनूर में था, तो शायद अब 2-3 जगह ये करके तो बहुत जल्दी वैक्सीन लग जाएगी। राकेश जी, हमारा सवाल रहेगा जो जनता जानने वाली है कि इस बार हमने देखा कि आप राशन नहीं, किसी तरह की कोई मदद नहीं, लेकिन आप सांसें लेने के लिए जो चीज़ लाए हैं वो शायद अभी तक हमने नहीं देखी गई। ये समाज सेविक है, हमेशा कुछ नया करते आए हैं, अलग करते आए हैं, हटके रहे हैं, इसीलिए ये शायद
आज हम लोगों ने इनको पकड़ लिया और हमें पता चला कि यहाँ पे वो भी कि काफी लोगों को जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ राबिया जी, मैं फिर अपनी जनता और अपने परिवार के लोगों को 6 नंबर वार्ड में रख संतौर पे परिवार है, मैंने पहले भी कहा है, और अखनूर की जनता को मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, मास्क पहने रहिए, और किसी तरह की मेरी ज़रूरत है जिसको भी वो मुझे कॉल कीजिए। और मैं ज़्यादातर यहाँ बैठा होता हूँ सैन फ्रांसिस स्कूल के सामने, यहाँ बैठा होता हूँ, किसी को भी मैं सहायता कर सकूँ किसी की भी, तो मैं ज़रूर अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा जी। दोस्तों हम चाहते थे बात और भी करना, मुद्दे और भी हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी रहती है हमेशा। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वो राकेश मल्होत्रा हैं जिन्होंने आज से नहीं, जब से सियासती में अपना कदम डाला है तब से ये लोगों के हितों के लिए ही आगे नजर आते हुए दिखाई दिए। इस कोविड के चलते काफ़ी लोग पूछ रहे थे आज राकेश जी कहाँ हैं, तो हमने आपको बता दिया कि आज राकेश जी ऑक्सीजन के लिए प्रबंध कर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने के, कहीं ना कहीं लोगों की जो सांसें हैं वो शायद बच पाए। महामारी का वक्त है, इस टाइम सभी को, जितने भी समाज सेविक हैं, जितने भी पॉलिटिकल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, जितने भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जितने भी संगठन से जुड़े हुए हैं, हम सबसे एक ही निवेदन करते हैं, अपने साथ साथ अपने लोगों की जान बचाने के लिए भी आगे आएं। ये महामारी का समय है, विपदा का समय है, ये सब पर भारी है। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।